ये सर आपकी दोनों गन एक साथ चलेगी जी, ये इसका प्रेशर है। ठीक है, तो इनमें भी एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ, इसमें भी वॉल एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ये दोनों इसलिए एडजस्ट कर रखे हैं, ये कम साइड वाला हाँ, और वो फुल साइड में अगर हाँ ठीक है। सॉरी, इस ये कंपनी का प्रोडक्ट होता है एसपी का, इसका प्रेशर देखिए। सर सबसे पहले आप एक अपना शॉर्ट इंट्रो हमारे सभी फार्मर्स को बताइए। नमस्कार दोस्तों, मैं शर्मा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री धार से बात कर रहा हूँ। ये हमारा 4-in-1 मॉडल है। इसमें आपको एक तो बूम मिल जाएगा जी, इसमें भी तीन वेराइटी में पर 27 फीट, 36 फीट और 45 फीट जी, वो जो भी कस्टमर को चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग जी। और सेकेंड चीज़ है, ये पूरा हाइट एडजस्टेबल है। ये 1 फीट से लेकर 7 फीट तक आप इसको पूरा हाइट आपकी क्रॉप के अकॉर्डिंग इसको मैनेज कर सकते हैं। मतलब आपका 1 फीट का भी पौधा है या फिर 7 फीट का भी पौधा है, आप उस पर आराम से स्प्रे कर सकते हैं जी जी। ये दो चीज हो गई। तीसरा इसमें मिलेगा आपको 300 मीटर 1000 फीट की गन मिलेगी, होज रेल। ये ड्यूअल मिलेगी हमें? हाँ, डबल गन आएगी आगे 15-15 फीट में, दो व्यक्ति उसको एक साथ 30 फीट का एरिया कवर कर सकते हैं जी। सर जैसे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, आपने इतना सारा सेटअप किया है, तो इसमें आपने जो पंप यूज किया है वो किस रेंज का है? वो 125 लीटर का है। मैं उसके इसका मीनिंग होता है कि वो 1 मिनट में 125 लीटर आपका पानी निकालता, बड़ा पंप बोलते हैं उसको, 3 पिस्टन का जी। बिल साइज भी ठीक है। अब इसके कुछ फंक्शन समझते हैं कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। और इसका एक और 4-in-1 में फोर्थ वाला बताना भूल गया, इसमें वाइपर गन है। ये वाइपर गन टोटल आपका 24 फीट की है और 3 वाइपर गन है। ये अराउंड आपका अप टू 45 फीट तक एरिया कवर करती है। 45 गन का प्रेशर जाएगा 15-20 फीट में। ठीक है, इसको ओपन करके दिखाते हैं हम जी। तो ये फोल्डेबल है पूरा? ये पूरा फोल्डेबल है जी। जैसे फार्म में कुछ रास्ता नेरो रहता है तो वहां इसको प्रॉब्लम आती है जी जी। ये वाइपर हमारा ओपन हो गया है जी। ये टोटल 24 फीट का है, 1 गन से लास्ट वाली गन तक। इसमें 3 वाइपर गन लगी है। ये पूरा आपका 45 फीट तक एरिया कवर करेगा। इसमें सपोर्ट रहते ताकि इसका क्या स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़िया है दोनों तरफ। अच्छा, ये यहाँ से अटैच होंगे? हाँ, ये यहाँ से अटैच होंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ ये अटैच हुआ, ये हो गया। अब सेकंड फंक्शन आएगा इसका, बूम। ये रॉड इस टाइप से खुलती है जी। तो यहाँ पर पूरा फोल्डिंग सिस्टम, पूरा फोल्डिंग है ताकि आप किसान को फार्म में लाने ले जाने में कोई इशू नहीं हो जी जी। ये सारी चीजें आपको फार्म में जाके करना है। सर इसकी कितनी साइज होगी? ये टोटल है 38 फीट का, बिकॉज ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बना हुआ है। और इसमें जो नोजल भी यूज करा हुआ है वो एसपी ब्रांड का नोजल है। ठीक है। और सर इसमें मैं देख रहा हूँ कि हम हाइट भी एडजस्ट, हाँ, ये आप जितने भी होल देख रहे हैं जी, ये यहाँ से बोल्ट को लूज कीजिए, पीछे इसमें टोचन हुक बना रखा है जी, यहाँ से इससे आपको उसको पूरा अप डाउन कर सकते हैं। जैसे अभी फुल हाइट पे चला गया है जी, अब इसको आप जितना ऊपर इतना इससे ज्यादा नहीं जाएगा, पूरा नीचे करिए इसको। अब इसको पूरा ग्राउंड लेवल पे भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, आपको जिस हाइट पे रखना है वहाँ पे राइट गए, 4 बोल्ट रहते हैं, इनको टाइट करके वहाँ लॉक कर दीजिएगा जी जी। उसके बाद जितनी इसमें 5 रॉड है वो 5ों का कंट्रोल वाल आगे लगा हुआ है। आपको राइट साइड का नहीं चलाना, आप वहां से ऑफ कर दीजिए जी जी। सेंटर वाला नहीं चलाना, वहां से बंद कर सकते हैं। दोनों चलेंगे, ये यहां से इनका जो भी, हाँ, ये पार्टीशन कर रखे। ठीक है, तो आपको जो सा पार्ट चलाना है हर पार्ट का एक वाल दे रखा है, जो आगे से आप उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। सर अभी हमने कितने देखे हैं? एक तो ये देखा है, हाँ, इसका पार्ट, दूसरा ये, और तीसरा ऊपर कर सकते हैं जी। और इसका फोर्थ एंड लास्ट है इसका होज रेल। ये 1000 फीट का अपना 10 mm पाइप आता है। इसमें हम लोगों ने 2 गन लगा रखी है। ठीक है, इसका यहाँ पे लॉक रहता है जी। यहाँ से ये मतलब हिलेगा नहीं, ये हिलेगा, ये यहाँ पे स्टेबल रहेगा जी जी।
तो ये यहाँ से जैसे कि लूज हो चुका है। हाँ सर, इसे हम फोल्डिंग और किस तरह से करेंगे? जैसे बहुत सारे में पावर से दिया जाता है कि आप हैंड से इसे खींचिए, फिर तो इसमें किस तरह का सिस्टम? इसमें हमने फोल्ड के साथ साथ इसको रोल करने का भी सिस्टम दे रखा, दोनों लीवर है, रोल का भी दे दिया है। ये वाला आप लीवर पुश करेंगे तो ये फोल्ड स्टार्ट हो जाएगा, फोल्डिंग का। और ये वाला लीवर आप करेंगे तो आपको किसी को इसको खींचने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली पीटीओ शॉप से धीरे धीरे ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, केवल जो किसान भाई लोग हैं उनको लेके जाना है, लेके जाना, कुछ उन पे लोड कुछ नहीं आएगा, दोनों सिस्टम है इसमें। ठीक है सर, इसमें कितने फीट की हमें ये मिल जाएगी? ये टोटल आपको मिलेगी 1000 फीट की, 1000 फीट की इसके अंदर मिलेगी, 1000 फीट की। और इसमें दो गन दे रखी है, दो लोग इसको इजीली यूज कर सकते हैं। 15 फीट का फ्लेक्सिबल पाइप है ताकि दोनों की डिस्टेंस 30 फीट का एरिया कवर कर ले वो दोनों तरफ से। और गन में भी आपको प्रेशर एडजस्ट करने का ऑप्शन है, वो भी आप लाइव वीडियो में आपको टेस्टिंग में बताएंगे। इसमें एक ये मिक्सर होता है, जैसे आपने दवाई डाली जी, तो आपको बाहर से कुछ टैंक में करने की जरूरत नहीं है, दवाई डाली यहाँ से इसका एक वॉल रहता है वो ऑन करा, दवाई और वाटर प्योरली अच्छी तरीके से आपस में मिक्सर हो जाएंगे। ये एक्चुअली हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं वॉल को। जैसे कि मैंने कई बार देखा है कि हमें एक अलग से कोई लकड़ी लेनी पड़ती है उसकी, हाँ, मदद वो से सारी कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं वो है, इसमें सारी चीज वो सॉल्व कर दी। प्लस आपको इसमें जो अपना पंप है उसके गार्ड के लिए कवर भी मिलेगा, ताकि क्या पहिया चलता है तो यहाँ से मड उड़ता है कीचड़ वगैरह, तो उसपे शाफ्ट वगैरह कोई इशू नहीं, पूरा पैक रहेगा वो। और इसका एक फिल्टर वहां पे लगा हुआ है जी, इनलेट आउटलेट दोनों वहां है, आपको टैंक क्लीन करना है वहां पे जाली निकालिए, क्लीन करिए, टैंक क्लीन करके पानी भी निकाला उसी, दोनों चीज उसी फिल्टर में, वहां से आप पानी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब फिल्टर भी हो जाएगा। और अगर टैंक अगर हमें खाली करके धोना हो, जैसे कई बार होता है, हाँ, वो फिल्टर के नीचे एक और ऑप्शन है, उस वॉल को आप ओपन कर देंगे ना सारा पानी ड्रेन आउट हो जाएगा, टैंक निकालने के बाहर जरूरत, टैंक कुछ नहीं करना आपको। सर इसमें टैंक कितने लीटर का दिया गया है? सर इसमें 500 लीटर का टैंक आएगा, 500 लीटर का टैंक। ये एक्चुअली प्योर स्प्रे टैंक होता है, इसमें क्या होता है, एक तो HDPE मटेरियल रहता है, दूसरा ये क्या जो अपने पेस्टिसाइड वगैरह आते हैं में केमिकल बहुत रहता है जी जी, तो उससे इसमें कोई रिएक्शन नहीं होता है, टैंक एज इट इज आपका सालों साल चलेगा। ठीक है, तो ये इसका फायदा मिल जाता है, ये फायदा मिलता है। और साथ में टैंक में ऊपर आपको एक जाली भी मिलेगी, डबल ढक्कन आता है इसमें, उस जाली से आप पानी जो भी डालो ऑटोमेटिक छन के जाता है, अलग से कोई जाली या कपड़ा रखने की अपन को कोई उसमें आवश्यकता नहीं रहती है। सर इसके साथ में हमें एक ये जो नली दी गई है, ये किस लिए दी गई है? ये 20 फीट का पाइप आता है जो पंप पे ही फिट होता है, इसके थ्रू आप टैंक फिल कर सकते हैं कहीं भी नदी से, जो भी आपका हो धुआ पानी का जैसा भी आपका है, वहाँ 20 फीट का पानी पूरा ये सक्शन करके विद इन 2 या 5 मिनट्स में आपका पूरा 500 लीटर का टैंक भर देगा ये। ठीक है, और जो जाली वाला ढक्कन आप बता रहे हैं, अच्छा ये डबल ढक्कन है, इसमें जाली भी आती है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, हाँ, अलग से कुछ करने का इसमें जरूरत नहीं रहेगा। ये सारे यहाँ पे कंट्रोल वाले हैं, ये छड़ कंट्रोल का ये है, उसके बाद होज रील का, वाइपर गन का, सारे वाइप ये है कि ड्राइवर ट्रैक्टर चलाने वाला उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ट्रैक्टर ही ड्राइवर ही पूरा पीछे से कंट्रोल कर सकता है। अच्छा, इसीलिए आपने इसको, हाँ, ये इसकी पोजीशन इसलिए यही रखी है। ठीक है, यहाँ पे ड्राइवर रहता है, यहाँ पे इजीली मेंटेन हो जाता है। उसके बाद जितने भी सारे पाइप है जो मेन सप्लाई है पूरा, ये हाइड्रोलिक नली यूज करी हुई है उधर वाइपर होज रील में भी, ताकि आपको किसी को प्रेशर से फटने कटने का कोई टेंशन नहीं है। ये यहाँ पे टैंक इसका फिल्टर है, इसको आप राउंड करके जैसे ही क्लॉक वाइज घुमाएंगे ये खुल जाता है, और इसके अंदर एक जाली होती है, उस जाली को आप क्लीन करिए, फिर से फिट करिए और अपना काम वर्क स्टार्ट करिए। और अगर आपको ड्रेन आउट पूरा टैंक क्लीन करना है तो जस्ट नीचे एक छोटा नॉब है, इसको आप ओपन कर दीजिए। ठीक है, जितना पानी हो जो भी पानी टैंक में सारा बाहर आ जाएगा। सर इनमें क्वालिटी किस तरह की यूज की गई है आपने? सर मेरा जितना भी आयरन पार्ट है पूरा ISMR का, प्रकाश सूर्या पाइप कंपनी का आता है, उसका यूज करा हुआ, सारे नट बोल्ट जिंक और अपना कॉपर कोटेड, ताकि जंग वंग का जो इशू रहता है, क्योंकि जो अपना पेस्टिसाइड रहता है वो जंग बहुत जल्दी देता है, रस्ट जिसको बोलते हैं। जितने भी नट बोल्ट आप देखेंगे यहाँ पे जितने भी है, सारे जिंक के और कॉपर के कोटेड वाले हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर नोजल्स देख रहा हूँ आपके इस स्प्रे पंप में जी, तो ये हमें 100-100 रुपए में भी मार्केट में मिल जाती है, आपने इतनी हेवी क्वालिटी की? सर 100 रुपए तो 50 रुपए में मार्केट में अवेलेबल है, 50 में अवेलेबल है। पर हम जो ये करते हैं ब्रांड पे ज्यादा जाता है, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते जी। ये जो नोजल है ये ASPI कंपनी के नोजल है, ये आपको मार्केट में 450-500 रुपए का एक नोजल मिलेगा, 450-500 रुपए का एक, वो डीलर टू डीलर वरी करता है। ठीक है, तो इसका रीजन बताता हूँ मैं, ये देखिए इसमें फिल्टर आएगा पूरा अंदर जी। पानी पर नोजल में छन के जाएगा, साथ में
एसपी का ब्रांड भी उस पर सील लगी हुई है, ऐसा नहीं कि लोकल भी आते हैं 150 रुपए में लोकल भी मिलते हैं, पर ये एसपी का इस पे ब्रांडिंग रहती है। प्लस ये भी क्लिप में दिख नहीं रहा है, बाकी अब इसको ओपन करके एक सैंपल दिखाऊंगा आपको, जो टी रहती है टी पे भी एसपी का ब्रांड रहता है, ऐसा नहीं कि कुछ फेक या बेकूफ बना लेकर, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको ये पूरा स्प्रे पंप बताया, सर एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने इसमें 4-in-1 मॉडल बनाया, ठीक है सर, इसमें पावर कंजप्शन कितनी रहती है? क्या ये 35 हॉर्स पावर ट्रैक्टर से चल पाएगा? सर ये 35 हॉर्स पावर से लेकर जितने भी ऊपर बड़े ट्रैक्टर है सारे ट्रैक्टर पे इजीली चलेगा, कोई इशू नहीं आएगा इसमें। जी जी, क्योंकि इसका जो मॉडल है ना हमने बहुत कॉम्पैक्ट बनाया हुआ है, क्योंकि ये जितना इसकी विड्थ जितनी कम रहेगी ये ट्रैक्टर से उतना चिपक के चलेगा। ठीक है, तो ट्रैक्टर के आगे से उठने की बहुत सारी समस्या बहुत कम ही हो गई, ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई। जी जी, का अगर टैंक खाली है पूरा तो 250 किलो के समथिंग इसका वेट जाता है। 250 किलो। ठीक है, और अगर टैंक भर जाएगा तो 500 लीटर अपना 500 केजी उसमें ऐड हो जाएगा, 750-800 किलो टोटल हो जाता है इसका वेट। दोस्तों अब सबसे खास हम इस स्प्रे पंप की आपको कीमत बताने वाले हैं। सर इसकी कीमत कहाँ से स्टार्ट होती है? सर इसकी कीमत एक्चुअली क्या, मेरे पास इसके मॉडल बहुत अलग अलग है, 2-in-1, 4-in-1, 3-in-1 सिंगल, तो स्टार्टिंग प्राइस है 90,000 रुपये से लेके 1.5 लाख तक का है जी। तो वो अलग अलग कस्टमर के रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि उनको नोजल कौन सा कंपनी का चाहिए, जो बूम की विड्थ कितनी चाहिए, वाइपर में 2 गन चाहिए 3 गन चाहिए, इसकी विड्थ भी डिपेंड करता है, वो उसके अकॉर्डिंग प्राइस एड होती जाती है और कम होती जाती है। ठीक है सर, अगर कोई हमारी इस वीडियो को मध्य प्रदेश से बाहर देख रहा है तो वो क्या मंगवा सकता है अपने घर पर? जो आप अभी प्रोडक्ट देख रहे हैं ये ऑलरेडी मेरा एक डीलर को जाएगा साउथ का, तो आप इजीली आप ऑर्डर कर सकते हैं, फ़ोन पे ऑर्डर कर सकते हैं। अगर साउथ से आप हैं, तेलंगाना से हैं, तो वहाँ पे मेरे डीलर हैं, आप डायरेक्ट उनका नंबर मैं आपसे शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप इजीली उनके शोरूम पे जाके चीज़ को विजिट कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। आप ऑर्डर फ़ोन पे भी करो, ट्रांसपोर्ट से थ्रू आपको पूरा मिलेगा। ठीक है, और प्रोडक्ट हम डिस्पैच करने के पहले उसकी पूरी टेस्टिंग होती है एक दिन, कोई लीकेज तो नहीं कुछ नहीं, तो ऐसा इशू नहीं है कि वहाँ जाके उनको कुछ इशू आए, जितने इशू हम यहाँ पे पहले रिजोल्व कर देते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आपको लाइव डेमो बताया जाएगा, और चलिए सर अब शुरू करते हैं कि किस तरह से ये वर्क करता है। सर करो स्टार्ट। ये सर आपकी दोनों गन एक साथ चलेगी जी, ये इसका प्रेशर है। ठीक है, यहाँ से आप इसको पूरा एडजस्ट कर सकते हैं, पूरी एडजस्ट बने। हाँ ठीक है, तो इनमें भी एडजस्ट कर सकते हैं? हाँ, इसमें भी वॉल एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, जैसे ये दोनों इसलिए एडजस्ट कर रखे हैं, ये कम साइड वाला हाँ, और वो फुल साइड में। अगर हाँ ठीक है, अब आपको मैं नोजल का बताता हूँ। हाँ, नोजल का बताइए। पूरे कंट्रोल वाले यहाँ लगे हुए हैं। ठीक है, सारे कंट्रोल वाल ट्रैक्टर के जस्ट पीछे ही हैं। ये सारी इस ये कंपनी का प्रोडक्ट होता है एसपी का, इसका प्रेशर देखिए। दोस्तों अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। सर एक बार और अपना एड्रेस हमारे किसान भाइयों के साथ शेयर करिए। शर्मा एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, शर्मा कृषि यंत्र जी, धार जिला रतलाम रोड अनारत। ऑफिस अपना धार में है, सिटी में है बिल्कुल जी, और फैक्ट्री जो है वो रतलाम रोड अनारत पे। उसके बाद आप यूट्यूब पे सर्च करिए शर्मा एग्रीकल्चर धार, आपको सबसे ऊपर पे नई पेज मिलेगा। मेरी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आपको वीडियो में दिख ही जाएगा जी। तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर से करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों मैं मिलता हूँ हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।